गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से लक एकेडमी में। यहाँ पर मैंने कहा कि काफ़ी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पर उनको यही दिक्कत आ रही थी कि सर किस तरीके से हम रेफरेंस करते हैं, किस तरीके से साइटेशन देते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते वक्त साइटेशन क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स क्या होता है। तो इन पर काफ़ी वीडियो मैंने बना रखी है, फिर भी एक नया टॉपिक था आर्ट ऑफ रेफरेंसिंग एंड साइटेशन। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्या बढ़िया सी चीज़ें किस तरीके से रेफरेंसिंग की जाती है और किस तरीके से साइटेशन है, कौन कौन से टूल आपके यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेटा वीडियो को वैसे मिस बिल्कुल मत करें। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत सारे आ भी जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर पता होना चाहिए किस तरह के कौन कौन से रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं। तो पीएचडी एंट्रेंस में पीएचडी के लिए, थीसिस के लिए, एमएससी के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड ये बढ़िया सा टॉपिक है। बिना लेट किए सीधा स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस तक यहाँ पर होती रहे। चलिए बिना लेट किए सीधा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहली चीज़ मैं बात करूँ सोर्स ऑफ नॉलेज। अब साइटेशन से पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो हम नॉलेज ले रहे हैं वो उसका सोर्स क्या है। मे बी वो सोर्स आपका कोई जर्नल हो सकता है, थीसिस हो सकती है, या फिर कोई डेजर्टेशन मतलब पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड हो। जरूरी नहीं है पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, इसके लिए वीडियो बना रखी है, पीछे आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर कोई थीसिस है या फिर हमने कोई सोर्स जो नॉलेज ली है वो उसका सोर्स क्या है। जर्नल है या कोई थीसिस है या डेजर्टेशन है या फिर मैंने किसी बुक से लिया हुआ है या फिर कोई न्यूज़पेपर से लिया हुआ है या कोई वेब रिसोर्सेस है, कोई मीडिया है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई एनिमल्स आपका टेक्स्ट है, फिल्म से है, टेलीविजन से शो से है, थिएटर परफॉर्मेंस से है, मैप से है, चार्ट से है, कॉमिक्स से है, लेटर है, ईमेल है, लेक्चर है, या फिर किसी मैगजीन से लिया हुआ है या फिर कोई गवर्नमेंट आपकी रिपोर्ट है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, अदर रिपोर्ट्स है, कोई कमेटी की रिपोर्ट है या इंक्वायरी रिपोर्ट है। मतलब नॉलेज बेटा किसी भी चीज़ से ले सकते हैं जो हम अपने पेपर में, थीसिस में, रिसर्च प्रपोजल में जहाँ हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर हमारा नेचर ऑफ सोर्स क्या है ना। तो उसी के बेस पर हमारे साइटेशन और रेफरेंसिंग अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर मैंने बात की, आपको सोर्स बताया कि इतने तरीके के हम लोग सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब रेफरेंस लिस्टेड वर्सेस बिब्लियोग्राफी, दोनों चीज़ें देखो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को आपको समझाना चाहूँगा कि रेफरेंस क्या होते हैं और बिब्लियोग्राफी क्या होती है। ओके, तो रेफरेंस लिस्ट मतलब अगर ML स्टाइल की बात करूँ, मैं अभी बताऊँगा आपको स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वर्क साइटेड कंटेन अ कम्प्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस लाइक बुक्स, जर्नल, आर्टिकल, वेबसाइट एक्सेट्रा दैट यू हैव साइटेड डायरेक्टली इन अ डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स दैट इफ देयर इन टेक्स्ट साइटेशन फॉर सोर्स देयर इज़ अ रेफरेंस लिस्ट एंट्री एट वाइस वर्स। यहाँ पर मैं रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम किसी भी चीज़ से, हमने कहीं से भी कोई भी सोर्स यूज़ किया है अपने रिसर्च में, अपनी थीसिस में, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं उस सोर्स को क्या करते हैं साइटेशन देते हैं, इंटेक्स साइटेशन देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमने इस जगह से ली है। ये तो हो जाता है हमारा रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ऑन अदर हैंड कंटेन ऑल द सोर्स दैट यू हैव यूज्ड वेदर दे आर डायरेक्टली साइटेड और नॉट। अ बिब्लियोग्राफी इंक्लूड्स सोर्स दैट यू हैव यूज्ड टू जनरेट आइडिया, रीड अराउंड अ टॉपिक बट हैव नॉट रिफर्ड टू डायरेक्टली इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मैंने कहा कि बिब्लियोग्राफी में हम क्या करते हैं भाई, ऑल सोर्स जो भी हमने यूज़ किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई भी जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं उनको साइटेशन देते हैं, वो हमारा रेफरेंस बन जाता है। लेकिन अगर बिब्लियोग्राफी का मतलब है हमने किसी से कुछ भी पूछा है, कोई भी सोर्स हमने यूज़ किया है चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी भी बेस पर, तो हम उसको बिब्लियोग्राफी दे देते हैं कि भाई हमने इसको यूज़ किया हुआ है। आई थिंक दोनों का मतलब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। विच टू यूज़, यहाँ पर बोलते हैं फॉर रिसर्च पेपर्स अगर बात करें तो इनमें से हमें कौन सा कब यूज़ करना है, कि इन दोनों में से हमें रेफरेंसेस यूज़ करना है या बिब्लियोग्राफी यूज़ करना है, तो हम ये बताते हैं भाई इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। फॉर रिसर्च पेपर, अगर कोई आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, कम्युनिकेशन ले रहे हो या फिर किसी एडिटोरियल कमेंट्री लिख रहे हो, तो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ओनली अ रेफरेंस लिस्ट। जब आप रिसर्च पेपर, नोट्स, कम्युनिकेशन या एडिटोरियल का वर्क कर रहे हैं तो उस वक्त आपको सिर्फ रेफरेंस लिस्ट देना होती है। इफ़ यू हैज़ टू यूज़ एनी सोर्स इन योर असाइनमेंट, यू आर expected to say where you have to use it by cited
इट डायरेक्टली। तो जब भी आप कोई रिसर्च पेपर, कोई नोट्स, कोई कम्युनिकेशन, कोई एडिटोरियल कमेंट्री बना रहे हैं, तो उस वक्त आपको रेफरेंस लिस्ट देना होती है और उनको साइटेशन भी देना होता है। सम असाइनमेंट में रिक्वायर अ रेफरेंस लिस्ट एंड अ बिब्लियोग्राफी। कुछ ऐसे होते हैं असाइनमेंट जहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें देना होती हैं। बिब्लियोग्राफी इज़ अ प्लेस ऑफ रेफरेंस लिस्ट। कहीं कहीं पर हमको सिर्फ बिब्लियोग्राफी देना होती है, रेफरेंस लिस्ट नहीं देना होती है। इफ़ दिस इज़ अ केस यू विल इंस्ट्रक्टेड टू योर कोर्सेस मटेरियल्स सम रेफरेंसिंग स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड स्टाइल है ऑलवेज यूज्ड एज यूज अ बिब्लियोग्राफी इन अ प्लेस ऑफ रेफरेंस लिस्ट। तो काफ़ी जगहों पर जहाँ पर हम ऑक्सफोर्ड स्टाइल पे कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको बिब्लियोग्राफी देना होती है, ना कि रेफरेंस लिस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, सम लेक्चर में यूज़ द टर्म बिब्लियोग्राफी टू मीन अ रेफरेंस लिस्ट। सो इफ देर इज़ एनी अनसर्टेनिटी, बेस्ट टू आस्क योर लेक्चरर। तो अगर कभी भी आपको पता चले कि भाई आपको लेक्चर में या फिर कभी भी दिक्कत आ रही है कि सर हमको कौन सा यूज़ करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी यूज़ लिखना है हमको या हमको वहाँ पर रेफरेंस लिस्ट लिखना है। तो दोनों चीज़ों का देखना है हमको, कब या सा यूज़ करना है, ये चीज़ थोड़ा देखना है। वॉट इज़ द साइटेशन एंड साइटेशन स्टाइल। साइटेशन क्या होता है और साइटेशन स्टाइल क्या होता है, ये चीज़ हम बताते हैं। साइटेशन क्या होगा, साइटेशन इज़ अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू इंडिविजुअल। जहाँ से भी आपने कोई सोर्स यूज़ किया है उसको हम अगर क्रेडिट दे रहे हैं, दैट वॉज अ साइटेशन। तो साइटेशन इज़ अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू इंडिविजुअल फॉर देयर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क दैट यू यूटिलाइज टू सपोर्ट योर रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हैं या रिसर्च से रिलेटेड अपना कोई टॉपिक लिखते हैं, या फिर आप पेपर लिख रहे होते हो, या फिर आप कोई रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, या थीसिस लिखते हैं, या सिनॉप्सिस लिखते हैं, तो उस वक्त हमको क्या होता है, क्रेडिट देना होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जिसने भी, जिससे भी आपने सोर्स को यूज़ किया है। इट कैन ऑल्सो भी यूज टू लोकेट पर्टिकुलर सोर्स एंड कॉम्बैट प्लैगरिज्म। क्योंकि अगर आप उसको साइटेशन नहीं देंगे तो आपका डेटा जो है वो प्लैगराइज समझ जाएगा, आपको प्लैगरिज्म आपके डेटा पर लग सकती है। तो टिपिकली साइटेशन कैन इंक्लूड द ऑथर नेम, डेट, क्या क्या आता है साइटेशन में, तो ये याद रखना, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। साइटेशन में आपका होता है ऑथर्स नेम, डेट, लोकेशन ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी, जर्नल टाइटल, ऑडिट आपका DOI मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, कि यहाँ पर हम पर्टिकुलर नंबर मिलता है वहाँ पर कि आपने किस जर्नल में पब्लिश किया, तो एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है जिसे हम DOI बोल देते हैं। इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर किसका है। साइटेशन स्टाइल क्या होती है, देखो साइटेशन का मतलब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। साइटेशन स्टाइल क्या होता है, साइटेशन स्टाइल डिक्टेट्स क्या करता है, डिक्टेट द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर अ साइटेशन एंड हाउ द इन्फॉर्मेशन इज ऑर्डर्ड एज वेल एज पंक्चुएशन एंड अदर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हमको साइटेशन जब हम देते हैं तो साइटेशन को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको बताया जाता है, किस ऑर्डर में लिखा जाता है, क्या क्या पंक्चुएशन, क्या क्या फॉर्मेटिंग आपकी यूज़ होती है, उसको ही हम लोग साइटेशन स्टाइल बोलते हैं। ओके, सो रेफरेंसिंग स्टाइल अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे हैं, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग हैं। यहाँ पर मैं कुछ ही यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ही बता देता हूँ, बाकी आप लोग को अकॉर्डिंग टू जर्नल वहाँ पर अलग अलग तरीके के हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला मैं बात करूँगा APA, एक रेफरेंसिंग स्टाइल है। MLA, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, शिकागो, ये सब क्या है, आपके एक रेफरेंसिंग स्टाइल है। तो APA, MLA इन सब का अलग अलग ऑर्डर होता है, अलग अलग सभी का मेथड होता है लिखने का, सबका तरीका बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई इनके, तो मैंने इन पर भी वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, इन पर रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड आपका रेफरेंसिंग स्टाइल, साइटेशन टूल, रेफरेंसिंग टूल्स, आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, फ्री डेटा सॉफ्टवेयर, किस तरीके से हम लोग इनको बिना मेहनत के भी बना सकते हैं। चलिए, हाउ टू डू आई चूज अ साइटेशन स्टाइल, कब कौन सा साइटेशन स्टाइल यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो देयर आर मैनी डिफरेंट वे ऑफ साइटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम योर रिसर्च। द साइटेशन स्टाइल समटाइम डिपेंड ऑन द एकेडमिक डिसिप्लिन इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोला कि एकेडमिक के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हमको यूज़ करना होता है। जैसे APA की बात करूँ तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यूज बाय एजुकेशन साइकोलॉजी एंड साइंसेस। जब हम साइंस की बात कर रहे होते हैं या साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर APA स्टाइल सबसे ज़्यादा फेमस साइटेशन स्टाइल है। तो अगर मैं बात करूँ खुद के सब्जेक्ट की, मेरे खुद के सब्जेक्ट में भी APA ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में हम लोग सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी और साइंस वाले जो है वो APA स्टाइल को फॉलो करते हैं। MLA की बात करें तो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल इज यूज्ड बाय ह्यूमैनिटीज़। तो जो ह्यूमैनिटीज़ पर काम करते हैं, सोशल साइंसेस पर ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, वो लोग ज़्यादातर MLA साइटेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। शिकागो और तर्बेरियन जो आपके आपके ट्रेबियन स्टाइल्स है, इज़ जनरली यूज बाय बिजनेस,
हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स, ये लोग क्या करते हैं ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं, शिकागो है या फिर उनके में ट्रेबिन स्टाइल्स हैं। तो वील नीड टू कंसल्ट विद योर प्रोफेसर टू डिटरमाइन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन योर स्पेसिफिक कोर्सेज। तो जब भी आप जो लिख रहे हैं प्लीज़ इस बार आप लोग कंसल्ट जरूर करें। ये तो मैंने एक आपका एक जनरल व्यू दिया हुआ है जिससे कि आप लोग यही फाइनल मत समझें। ईच स्टाइल हैज़ इट्स ओन रूल फॉर प्रॉपर्टली साइटिंग सोर्सेज। यहाँ पर मैंने बोला कि APA MLA है या शिकागो है, सबका अलग अलग मेथड होता है, सबको अलग अलग तरीके से लिखना होता है। जैसे ऑथर स्टाइल सबकी अलग अलग होती है, चाहे वो APA हो या MLA हो या हार्वर्ड हो। यहाँ पर पुट द ऑथर्स नेम इनसाइड द टेक्स्ट ऑफ असाइनमेंट। यहाँ पर मैं इनकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको साइटेशन कैसे देना होता है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा APA पर, MLA पर, हार्वर्ड पर, तो आप लोग उस पर भी बेटर तरीके से काम कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री नोट स्टाइल है शिकागो एंड ऑक्सफोर्ड में, बट ऑथर्स नेम इन फुट नोट एट द बॉटम ऑफ ईच पेज और इन एंड नोट एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट। तो यहाँ पर सभी के में अलग अलग है, ऑथर्स डेट में अगर मैं APA या MLA की बात करें तो वहाँ पर ऑथर्स डेट और स्टाइल वहाँ पर चलता है, ऑथर्स का नेम आता है, फिर इनसाइड द टेक्स्ट वहाँ पर लिखा जाता है, नंबर लिख जाता है कि भाई इसके सीयर्स का है, वो सारी चीज़। इस पर वीडियो बनी हुई है, प्लीज़ उसको चेक कर सकते हो, उसी को आप लोग क्या कर सकते हो एज अ रेफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये पहले आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लियर किया हुआ है। तो जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ एंड थैंक यू।